अब हम करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी सीरीज़ की, कि हम इसे ग्राफ की हेल्प से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोग्राम दो तरह का होता है, एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए और दूसरा होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। जो इक्वल क्लास इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम होता है उसके लिए में क्या होगा, उसमें क्या होता है कि इक्वल क्लास इंटरवल हमें दिए होते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, मतलब डिफरेंस जो है उनके बीच का सेम होता है। और जो अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा मतलब उसके क्लास इंटरवल क्या है, बराबर नहीं हो गए, जैसे 0 से 9 हो गया, फिर आगे 10 से 19 हो गया, इस तरह से होगा कि क्लास इंटरवल सेम नहीं है, उनके बीच में डिफरेंस जो है सेम नहीं होता है। उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास इंटू एज्यूम क्लास इंटरवल और अपॉन क्लास एक्चुअल क्लास इंटरवल। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम दिए ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से लेकर 50, 50 से 60 और 60 से 70। नेक्स्ट हमें दिया है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है, तो इसमें हमें क्या है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है या इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज़। इसमें क्या है, सारा का सारा डिफरेंस जो है वो सेम है हमें, मतलब ये क्या है, हिस्टोग्राम ग्राफ बनेगा इसके लिए, फॉर इक्वल क्लास इंटरवल के लिए इसमें ग्राफ बनेगा। अब हमें हर कोई डिफरेंस जो है वो सेम है तो डायरेक्ट हम ग्राफ जो है इसका बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे हमें दिया था इन्होंने 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो एक तरफ हम मार्क्स ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और एक तरफ के नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 से लेकर 20, यहाँ पे 35, 50, 70 काफ़ी है, तो हम यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं। और हमने देखना है अब यहाँ पे 0 से 10 जो वो उसके बीच में 1 लाई कर रहा है, तो जो 0 से 10 है ना वो 1 पर लाई करेगी, यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे 10 होगा। तो 0 से जो भी 10 है उसके बीच में क्या है, 10 आ रहा है, और 10 टू 20 में क्या है, 25 है। तो 10 और 20 के बीच में 25 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे 20, तो 25 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे आ गया 25। नेक्स्ट 20 टू 30, तो जो 20 और 30 के बीच में वो है 35, तो 30 यहाँ पे है तो 35 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 30 टू 40 में 50 है, तो यहाँ पे आ गया 50। 40 से 50 के बीच में क्या है, 70 आ गया यहाँ पे। 50 से 60 के बीच में क्या है, 40। 60 से 70 के बीच में क्या है, 20। तो ये बन गया हिस्टोग्राम ग्राफ जो है फॉर इक्वल क्लास इंटरवल के लिए। अगर हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो उसके लिए लगेगा फार्मूला कि फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लास, एज्यूम क्लास और एक्चुअल क्लास इंटरवल। एक्चुअल क्लास इंटरवल यानी कि डिफरेंस कितना है आपका, और फ्रिक्वेंसी क्लास की जो एफ होगी, फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर वगैरह जो भी आपको दिए होंगे वो आ जाएगा। और एज्यूम क्लास होती है कि जो भी हम जो क्लास जो वो एज्यूम करते हैं। इसमें हम इसका जो वो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल, जहाँ पे आपको डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, वो होगा अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। वेजेस दिए हैं 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 10, यहाँ पे आपको अप टू 40 से लेकर 14 to 15 दिया है, और वर्कर भी दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर इतने इतने हैं। तो वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर, और यहाँ पे हमें क्या है, नंबर ऑफ मतलब कि यानी कि फ्रिक्वेंसी क्लास की, तो फ्रिक्वेंसी तो आ जाएगी क्लास की, यहाँ आपको फ्रिक्वेंसी दिया है, नंबर ऑफ वर्कर आपके पास फ्रिक्वेंसी है, एज्यूम क्लास, ये तो एज्यूम क्लास हमें लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक एज्यूम क्लास एक्चुअल क्लास इंटरवल। तो वेजेस आ गई एक तरफ और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आ गई एक तरफ। अब यहाँ पे हमें एक निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, और हमें क्या करना है, एज्यूम क्लास लेनी है। तो एज्यूम क्लास लोगे आप, जैसे 3 और 4 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 4 और 6 के में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 6 और 7 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, 7 से 10 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, 10 से 11 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 14 to 15 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 11, 12 1 का है, और इसमें जो है 2 का है। तो जो भी डिफरेंस आपका सबसे ज़्यादा है, जिस भी वैल्यू का डिफरेंस आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो आप एज्यूम वैल्यू ले लो, एज्यूम फ्रिक्वेंसी ले लो। अब यहाँ पर 2 तो 2 टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, जो हमारा 1 है 1, 2, 3, 4, 1 जो हमारा 4 टाइम आ रहा है, तो हम जो है एज्यूम फ्रिक्वेंसी ले लेंगे यहाँ पे, जो भी एज्यूम हमने क्लास इंटरवल लिया है यहाँ पे वो हमने ले लिया 1। तो जो एज्यूम क्लास हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गया,
और नंबर ऑफ वर्कर फ्रिक्वेंसी हमें पहले से दी हुई है, हमने एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फॉर्मूला क्या था? फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लास, कि क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 100 है। एज्यूम क्लास, कितनी क्लास है आप एज्यूम कर रहे हो, हमने क्लास एज्यूम की 1। और अपॉन में एक्चुअल क्लास इंटरवल, एक्चुअल क्लास इंटरवल है कितना, इसमें एक्चुअल डिफरेंस है कितना, 1 का है, तो यहाँ पे आ गया 100। नेक्स्ट है एज्यूम फ्रिक्वेंसी, जो है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है क्लास की, फ्रिक्वेंसी है हमारे पास इतनी, एज्यूम हमने कितनी की है 1, एक्चुअल कितनी है 2, तो डिवाइड बाई 2 किया, 110 आ गया। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी क्लास, एज्यूम हमने 1 की और एक्चुअल है कितनी, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ गया 150। फ्रिक्वेंसी है कितनी, एज्यूम कितनी की है और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 3 है, यहाँ पे आ गया 200। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है, 220 है, एज्यूम हमने 1 की है, एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 1। तो इसी तरह से सारा आ जाएगा और ये होगा हिस्टोग्राम ग्राफ और अनुकूल के लिए। नेक्स्ट हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, तो 3-4 जो बेजेस आएंगी इस तरफ जो आएगा वो 3-4-15 तक है। और जो भी हम अब बनाएंगे ना नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो भी हम फ्रिक्वेंसी बनाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर जो भी हम बनाएंगे, उसमें हम ये वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, उसमें हम ये वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। जैसे हमने बनाया इसके लिए ग्राफ कि नंबर ऑफ वर्कर एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्कर, कि अब हमने ये वैल्यू नहीं लेनी है, नंबर ऑफ वर्कर नहीं लेने हैं हमने, अब हमने लेनी है एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्कर। तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी वर्कर की और वेजेस इन रुपीज़। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें क्या क्या था, फर्स्ट है कि 3-4 के बीच में हमारा 100 आना चाहिए, 4-6 के बीच में 100 आना चाहिए। 3-4 के बीच में 100 आ गया, 4-6 के बीच में क्या है, 100 आ गया, 6-7 में 150 आ गया, 7-10 में 200 है, 10-11 220 है, 11-12 200 है, 12-14 150 है, 14-50 तक 15 में कितना है, 100 है। तो ये सारी जो यहाँ पे वेजेस हमने ये लिए हैं और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमने ये ली है। अब हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ये हो गया इसके लिए अनइक्वल के लिए, और जो पिछला एग्जांपल था वो था इक्वल क्लास इंटरवल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रिक्वेंसी पॉलीगन।